हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लैंड नॉलेज में। इस सीरीज में दोस्तों आप जानेंगे आबादी दे क्या होती है, मौजा क्या होता है, अध्वस्त नंबर क्या होता है दोस्तों, और मौजा बेचिराग क्या होता है, मिसल हकीकत क्या होती है, मीन खसरा नंबर क्या होता है। दोस्तों अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी जमीन है तो ये इंफॉर्मेशन आपको जरूर जाननी चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है, ताकि आप रेवेन्यू में कहीं पर भी मार ना खाएं, अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कर सकें। दोस्तों आबादी देय क्या होती है? आबादी देय का मतलब होता है दोस्तों, आबादी देय एक ऐसा क्षेत्र है जो गांव के निवासियों द्वारा बसा हुआ होता है। इसे गांव की आबादी के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। आबादी शब्द का अर्थ होता है निवास स्थान और देय का मतलब होता है क्षेत्र या स्थान। इसे बेचा, गिरवी रखा या पंचायत व गांव के बाहर किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। आबादी देय भूमि के स्वामित्व को दर्शाता है और इसे नामित जमीन के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों आबादी देय एक सिंपल, ये आपको मैं नक्शा दिखाऊंगा, इसमें देख सकते हो दोस्तों, ये जो है ये आबादी देय है, ये बड़ा सा जो पार्ट है यहाँ पर आबादी बसी हुई है पूरे में। और दोस्तों इसके साथ ही एक शब्द आता है फिरनी। फिरनी का मतलब होता है दोस्तों गांव के साथ, आउटर बाउंड्री के साथ साथ में एक रास्ता होता है, जैसे इसमें एक ये रास्ता दे रखा है, इसको दोस्तों फिरनी कहा जाता है। गांव के साथ जो रास्ता होता है उसको फिरनी कहा जाता है। और इसमें दोस्तों मैं नक्शे में अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये एक गांव है बैणी महाराजपुर, ये आबादी है, ये आप देख सकते हो, ये इसकी आबादी है और ये इसकी फिरनी है। ये लिखा हुआ ना बैणी आउटर रोड, आउटर रोड का मतलब है ये फिरनी, लोकल भाषा में इसको गांव की फिरनी बोल देते हैं, गांव का आउटर रास्ता बोल देते हैं, मैं गांव का बाईपास बोल देते हैं। तो ये दोस्तों ये देख सकते हो आप। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे